इधर आ रे बेटा। अरे कहाँ आना रे, जल्दी आ जगुआ। चीख चीख कर गले का बांध बना लिया है उसे कोई परवाह कि तुम ही हल्का अन हुए जा रहे हो तेरा रहे हो। अब चलो अंदर। कहाँ घर के अंदर पगला गया क्या? हमको तो बाबू मोहल्ले में नहीं आना चाहिए। अरे छोड़ चल दिखा दे इनको, ये वैदिक ब्राह्मणों का घर है। कम से कम आने जाने के लिए रास्ता छोड़कर किनारे तो खड़े हो जाओ। जगदेव अंदर चलो। नहीं मल्ली को बुलाओ, वो आएगा तो मैं आऊंगा। नहीं मुझे घर जाना है। आ जाओ बिल्कुल अंदर चले आओ। आप तो जानते हैं कि मैं मोची का बेटा हूँ। ये कहता है ये भी नहीं आएगा अगर तुम नहीं आओगे तो, इसलिए आ जाओ मैं बाद में शुद्धि करा लूंगा। जगदेवा जगदेवा मुझे जाना ही था। मैं ना जाता तो कितना गजब हो जाता। जैसे ही मैंने सुना कि राज भंडार को खोला जा रहा है मैं समझ गया कि ताले में कुछ ताला है। राजा बाहर है मसवंडा बाहर, दोनों में से एक भी ना हो तो ताले को हाथ नहीं लगाया जाता, ये नियम है। मैं घर घर गया जवानों को चेताने के लिए, गला फाड़ दिया चीख चीख कर कि कहीं कुछ काला हो रहा है उठो, लेकिन पहले पहल किसी नहीं की। खैर जवानों को समझाने में समय तो लगा, लेकिन देखने वाली बात यह थी कि जब वो उठे तो 5,000 लोगों ने घेर रखा था भंडार घर को पूरे। बहुत बड़ा उपकार किया है, इतनी बड़ी कीर्ति पताका छोड़कर आए हो हमारे लिए। बाबूजी का सिर गोदी में लो, माता के सलाह जा रहे हैं, आराम मिलेगा इनको। इसे इस धरती पर उतारो, सिर पर हाथ धरे समय क्यों नष्ट कर रहे हो, इसे धरती पर उतारो। मैं आगे पिताजी फिर नहीं जाऊंगा, घबराए नहीं, इसे घाट से उतारो धरती पर रखो, जल्दी जल्दी करो, इसे तो छोड़ो मत। इसे उठाए पिताजी। मुझे क्या व्यर्थ की बात है, ये यहाँ पड़ा है, इसे धरती पर उतारो, इसके पाँव मोड़ दो। जगुआ जगुआ कहाँ है? नहीं पिताजी तू नहीं, मेरा बेटा अभी बहुत काम बाकी है, तुम्हारी माँ उसका सिर मुड़ाना होगा। जगुआ पिताजी तू नहीं, मेरा बेटा चिता जलाने के लिए यहाँ होना होगा, लास्ट में दुर्गंध पड़ने लगी। जगुआ पिताजी कुत्तों को खिला दूंगा। शांति रखो बेटा, उन शरणों से क्यों उलझना चाहते हो? तुम्हारे पिताजी जान गए तो बस। उन्हीं ने सिर चढ़ाए दास पुत्रों को, उन्हीं के कारण उनका साहस बढ़ चुका है। मैं युवराज हूँ कलचुरे राज्य का, और मेरी हड्डी उड़ाते हैं पूरे नगर के सामने, मेरे मुंह पर काली पोत दी उन्होंने, सोचो जरा। नहीं मैं नहीं बैठूंगा। मानो भी बैठो। देखो इन शरणों को छोड़ो अपनी जगह, तुम्हारे पिताजी जो करते हैं करने दो उन्हें। ये ना बताएं कि मुझे क्या करना है, बस बहुत हो गया, हर तरफ से मुझे ही सुनना पड़ता है, मेरे कान पक चुके हैं, मुझे नहीं चाहिए सब। लेकिन कृपा करके अपने पिता को मत खुरेदो, उनका क्रोध मुझ पर निकलता है, मेरे भी सहने की कोई सीमा है। बसवंडा हमारे ठगी करता रहा है, पंजीकार के पास पूरे प्रमाण है, बसवंडा ने 130,000 से ज्यादा मुद्रा इधर से उधर किए खजाने से, और तब भी वह राजा का भंडारी बना हुआ है। मेरे पिता पूरी तरह से चंगुल में है, और तुम भी। तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? तुम समझते हो तुम्हारे पिता मेरी सुनेंगे? सुनना चाहिए क्यों नहीं, तुम्हारे ध्यान देने की बात है बस। मेरी माँ के सौतेले बेटों को वह सब मिल गया 18 की उम्र में, जो उनका मन चाह उन दोगलों को मान सम्मान, और मुझे, मैं महाराजा बिजल की दहीती रानी का बेटा हूँ, मेरे रगों में कलचुर्री और हौसला वंश का खून दौड़ रहा है, मुझे क्या मिला घंटा? कहाँ है वो भोसड़ी का कान बंद कर बैठा है? निकल, माफ कर दीजिए, मेरे पीछे से क्या कुछ करना चाहता था?
खजाने के ताले को हाथ कैसे लगाया, किससे पूछता? चला जा, चला जा। के घर से जाएगा खाली हाथ। पापा, जरा हमारे राजकुमार के लिए चूड़िया और कुमकुम लाओ। राजा बनना है ना तुझे, मैं बनाऊंगा तुझे राजा। मारो मत, जल्दी करो। पीठ की चमड़ी उठा देनी थी इसकी, ठीक हो जाता अपने भाइयों की तरह, बांसों के गट्ठर की तरह बांध कर डुबा देता नदी में, सीधा हो जाता अब तक बांस की तरह। बस मुन्ना बाहर था तो खजाने को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा किया। इतना ही नहीं, जब बसवन्ना वहां से लौट तो ये वहां से भाग लिया। 15,000 लोगों ने इसका रास्ता रोका, हंसे इस पर। बसवन्ना इसका हाथ पकड़कर खजाने तक लेकर गए। मैं अपनी यात्रा से थकारा लौटा तो यही समाचार थे मेरे स्वागत में। बसवन्ना और युवराज हिसाब जांच रहे हैं, सचमुच हिसाब जांच रहे हैं। एक भी काली कौड़ी कम हुई भंडारे से, क्या कोई भी 40 सिक्का मिला भंडारे में? बसवन्ना का हिसाब भगवान ब्रह्मा की तरह अटल है, इसीलिए मैंने उसे राज्य का भंडारी बनाया है। सुन रहा है, सुन रहा तू? अपने गलत पर उठा उठाकर गलत काम कर सकता है ये, लेकिन जीभ उठाकर बोल नहीं सकता तुम्हारा बेटा। बस भी करो, कैसी भाषा बोलते हो? देखो देवी, ये तुम्हारे भोसला खानदान के नेम देम यहाँ नहीं चलेंगे। मैं कलचूरी वंश का हूँ, मैं जरा सख्त बनाया गया हूँ। मैंने अपने बेटे से एक सवाल किया है, उसे जवाब देना होगा। तुम बीच में मत पड़ो। बेटा कैसा बेटा, उम्र हो गई है उसकी, रजवाड़े का एक टुकड़ा भी दिया है? राज दे दूं इस चचुंदर को और राज की प्रजा का क्या होगा, कुएं में डाल दूं उसे। बेटा मैं इसके लिए इतनी अच्छी बहू लेकर आया, अगर उसे ये ठीक से रखता तो इसका ससुर दे देता इसे आधा संसार, पर उसे तो ये रख नहीं सका, अब बनना चाहता राजा। ये शोर कैसा? बसवन्ना है महाराज, आपके दर्शन चाहते हैं। आ गए, मैं जानता था। भीतर के कक्ष में बैठा होने और ध्यान रहे, आम सभा में नहीं, ना जाने कब क्या बोल जाए। उस बसवन्ना के प्रति आपके आकर्षण की था नहीं लग रही है मुझे। सारे संसार के सामने उसने आपके बेटे के मुंह पर थूका, फिर भी मुख्य द्वार पर कुत्तों के साथ खड़ा करने की जगह आप उसे अंदर आमंत्रित कर रहे हैं। 15 साल हो गए, तुम और तुम्हारा बेटा कुछ नहीं समझ पाए बसवन्ना के बारे में। मैं बिज्जल इस कल्याण नगरी का शासक राजा हूँ, कस्तूरिया वंश का सम्राट हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जात क्या है? उसका इससे क्या संबंध? मैंने सवाल किया है, जवाब दो। हम योद्धा क्षत्रिय। तुम और तुम्हारा होइसला खानदान क्षत्रिय हो सकते हो, लेकिन मैं तो कलचूरी हूँ। कलचूरिया एक हजाम, एक नाई, बिज्जल जात का हजाम। 10 पीढ़ियों से मेरे पुरखों ने संसार को लूट लूट कर डरा रखा। 5 पीढ़ियों ने राजा का दूत बनकर राज किया। ब्राह्मणों को लाखों गाय घूस में दे दी ताकि उनके मुआवजे पर क्षत्रिय की छाप लगा दे। फिर भी मेरे राज्य के छोटे से छोटे बच्चे से पूछ लो, कलचूरिया परमाली के बेटे की जात क्या है, बताएगा हजाम। अरे तुम्हारा बाप भी जब मुझे बेटी दे रहा था ना, तो उसकी आंखों में बिस्किट खाया थी। हाँ, मेरे पिताजी को बीच में क्यों लाते हो, उन्होंने क्या किया है? बोल मत, बीच में मत बोल, मैं बोल रहा हूँ ना, बस सुन। आदमी की जात ऐसी होती है जैसे शरीर की चमड़ी, ऊपर से नीचे तक तुम चमड़ी छील तो सकते हो, लेकिन जब भी चमड़ी आएगी तो लोग तुझे पहचानेंगे, वही पुरानी चमड़ी और वही पुरानी जात। अछूत, क्षत्रिय, राजपूत, गडरिय, यही तो गुण है इस धरती का, यहाँ के पानी का गुण है ये। 62 साल का हो गया है, लेकिन आज भी जिन लोगों की आंखों में मेरी नीची जात की छाया तक नहीं झलकी, वे आंखें हैं शरणाओं की, बसवन्ना और उसके लोगों की। वो तुम्हें क्या समझते हैं, आदमी? बस बसवन्ना इस धरती से जात पात को मिटा देना चाहता है, वर्णाश्रम धर्म को तोड़ देना चाहता है, और इन सब की तैयारी बसवन्ना ने कहां की? कल्याण में, बिज्जल के कल्याण में। काश्मीर का राजा जब कल्याण आया तो सबसे पहले वो मुझसे मिलने नहीं आया, सबसे पहले वो गया उन शरणाओं से मिलने। जरा सोचो तो। आप भी उनके साथ क्यों नहीं मिल जाते, सारी समस्या ही हल हो जाएगी। हल नहीं होगा, वे नीति बताते हैं। बसवन्ना कहता है हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, लोभ मत करो। अब इतने सारे नकारों की पगड़ी बांध कर भला कोई राजनीति में कैसे रह सकता है? सबसे मुश्किल है उसकी भक्ति, बिल्कुल भावुकता में डूबी हुई, मुझे तो चिंता हो जाती है। मैं अपने लोगों के लिए मंदिर बना सकता हूँ, लेकिन एक सत्य मुझे पता है, मैं हूँ
ईश्वर नहीं है। हलप्पा, ईश्वर कैसा? नगर के सारे लोग वसुंधरा को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। क्यों? उन अंधी खोपड़ियों को इतना भी नहीं पता कि वो यहीं का नागरिक है? महाराज ये कहते हैं कि खजाने में कुछ हो गया है, अब आप तो जानते ही हैं। क्या ये कहते हैं? वसुंधरा ने कोई चमत्कार कर दिया। कैसा चमत्कार? रानीमा एक चमत्कार हुआ, नगर के सारे लोग वहां मौजूद थे। महाराजाधिराज कालंजलपुराधीश्वर सुवर्ण वृषभध्वज डमरूद्रोयनिर्घोषम कलचूरवंशकमलभाकर त्र्यम्बकपाद पद्ममध्व शृंगार सिद्धि निःशंकमल्ल भुजबल चक्रवर्ती विज्जल देवराज हो महाराज हो महाराज। लगता है आपको हमारी नई उपाधियां पसंद नहीं आई। बस सुनना, ये कानों में कुछ ज्यादा ही गूंजती है। यदि इनमें संस्कृत थोड़ी कम और लोक भाषा ज्यादा होती तो महाराज का गौरव और ज्यादा होता। यही तुम आदरणीय मंचन कमी से पूछो। मैंने इनसे पहले ही कहा था कि तुम यही कहोगे। मुझे कुछ नए शिलालेख तैयार करवाने थे, इन्होंने कृपा की और हमारे सम्मान में कुछ नई उपाधियां रच दी। महाराज, संस्कृत की जैसी गरिमा और ध्वनियों का गुंजन बोलचाल की लोक भाषा में मिल ही कैसे सकता। महाराज का गौरव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे डर है कि उपाधियां लिखने के लिए कहीं पत्थर ही ना बचे। साम्राज्य की वर्तमान सीमाओं के विस्तार का इससे अच्छा साधन और क्या हो सकता है? हमारे पड़ोसी साम्राज्य में चोल वंश के राजाओं को लोग उनकी कलाओं से नहीं उनकी शिलाओं से जानते। एक और नया शिलालेख और उसके पक्ष में एक नया आयोजन, नए नए युद्ध होंगे, सैकड़ों सैनिकों की समाधियां बनेंगी, उन पर हजारों नवेली विधवाओं और अनाथ बच्चों का रुदन मन रहा है। इनसे पीड़ा को दूर करने के लिए और धन लगेगा और कर लगेगा, प्रजा का बोझ ही और बढ़ेगा। ये जीवन तो चंचल है बचपन्ना, एक दिन हम सभी को जाना है, किंतु ये शिलालेख युगों युगों तक सम्राट के यश की गाथा गाएंगे आने वाली पीढ़ियों के नाम। उन शिलालेखों को पढ़ने वाली आंखें भी तो चाहिए, गाथा गाने के लिए कंठ चाहिए, जीव चाहिए। अर्थ पैदा करती है चलती फिरती काया मानव शरीर, इसीलिए इस हाड़ मांस के पुतले की रक्षा हमें सबसे पहले करनी है। बसवन्ना आप आया कीजिए, आप आते हैं तो हमारा स्वाद बदल जाता है, छोंक सा लग जाता है। महाराज ये खजाने की चाबियां है, आपने मुझ पर कृपा की, ये चाबियां मुझे सौंपी, पर अब ये मुझे भार लगने लगी है, कृपा इस भार से मुझे मुक्त करें। और अगर मैं लेने से इनकार कर दूं तो मैं इसे राजमहल के शिवालय पर चढ़ा दूंगा। कलप्पा मंचन, ओम शिव, ओम शिव, ओम ओम। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष वेद गुं सर्वं यद् भूतं यत् च भव्यं उतावृतत्वस्य। पिछले दो एक वर्षों में तुम नाम बरकवाए, उत्सव त्योहार पर आए तो आए, लेकिन मैंने तुम्हारी हाजिरी नहीं पूछी। तुम मेरे राजघाट को लेकर भद्दे गीत लिखते रहे, अपनी सभा में गाते रहे, लेकिन मैंने तुमसे एक शब्द नहीं कहा, तुम मेरी हंसी उड़ाते रहे। महाराज मैंने अपनी बात हमेशा साफ रखी है, मैं राज के भंडारे में काम करता हूँ, राजा को खुश करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि खजाने की रक्षा करना लोगों की धन की रक्षा करना। वहाँ राजा का अधिकार इसलिए है क्योंकि राजा लोगों का रक्षक होता है, लेकिन राज घराने के किसी भी सदस्य को खजाने की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई हक नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब दो बस सुनना, क्या कोई भी राजा इतनी ढील देता, इतना बर्दाश्त करता? नहीं महाराज, इसके लिए मैं आपका एहसान मंद हूं। बहुत अच्छे, आपने इतना हंसी नहीं जताया, जो हो गया उसे भूल जाओ बस सुनना। मेरा बेटा तो है ही मूर्ख, ये क्या महाराज, ये तो अनुचित बात, तो क्या करूं, इसके पैरों में लाकर गिरा दूं उसे? महाराज मैं छोड़ना चाहता हूं, इसका दोष सिर्फ राजकुमार को नहीं दिया जा सकता। शरणाओं के बीच मेरी गोष्ठी का काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मेरी जरूरत वहां सबसे ज्यादा है। तुम्हारे साथ यही बड़ी दिक्कत है बसवन्ना, तुम उसे राजकुमार कहने की जिद क्यों करते हो? तुम उसे युवराज कहते तो रानी खुश होती, मैं भी खुश होता, सभा में सब जानते हैं।
युवराज तो सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है महाराज। मैं नहीं जानता था कि आपने उसके लिए इसे कब चुना। चुना बिल्कुल भी नहीं है मैंने। और जरा सोचो, अगर उस गधे को मैं गद्दी पर बैठा दूंगा तो मेरे चार चुप बैठेंगे, फाड़ खाएंगे। लेकिन अगर राजा का एक ही बेटा राजधानी में मौजूद हो तो उसे युवराज कहते हैं। ये दस्तूर है, ये नया दस्तूर है हमारा। मैं नहीं मानता इस दस्तूर को। वैसे क्या फर्क पड़ता है कि उसे क्या कहकर पुकारा जाए। लेकिन हाँ, राजकुमार कहकर बुलाने का मतलब है कि वो जिम्मेदारी से काम करे। तुमने फिर वही किस्सा शुरू कर दिया। बस सुनना महाराज, इन सब बातों पर हम विचार कर चुके हैं 15 साल पहले। लेकिन फिर भी राजकाज तो राजकाज है, एक तरह का कर्तव्य, एक तरह की जीविका। लेकिन मनुष्यता की सेवा भी तो है। ये कोई उत्तराधिकार नहीं जो परिवार से भेंट में मिल जाए, बल्कि हक है जो कमाना पड़ता है और मिलने पर बड़े लगन और जतन से निभाना पड़ता है। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। 15 साल हो गए मैं चालुक्यों का सामंत था। मंगलवार में चालुक्य सम्राट का सामंत होना मुझे लगता था अपना जीवन धन्य है। उसी वक्त मेरी भेंट बसवन्ना से हुई थी। तब ये 21 बरस के थे, लेकिन इनका कायक दर्शन पूरी तरह तैयार हो चुका था। राजा अपने जन्म से नहीं बल्कि अपनी योग्यता से होता है। मैंने सोचा यह बिल्कुल ठीक है। कल्याण की राजगद्दी पर जो राजा बैठा था, मैंने उसकी छुट्टी कर दी और खुद राजा बन गया। बसवन्ना के बिना ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं नहीं जानता कि अपने शब्दों के ऐसे अर्थ मैं खुद भी लगा पाऊंगा या नहीं, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि इसी सिद्धांत को आप अपने बेटे पर लागू क्यों नहीं करते। क्योंकि वो मेरा बेटा है, बसवन्ना मेरा बेटा। अरे तुम क्या समझोगे बेटा क्या होता है। इस कल्याण नगरी में 196,000 शरणा है जो हर रोज तुम्हारे नाम का दिया जलाते हैं, क्योंकि तुमने उन्हें ये जीवन और विचार दिया है। वो सब जानते हैं कि तुम्हारा भी एक बेटा है, लेकिन वो नन्नी जान कहाँ है बसवन्ना। तुम्हारे आधे लोग भी नहीं जानते कैसी अनाथ जिंदगी दी है तुमने अपने बच्चे को। कुछ तो सोचो बसवन्ना, या फिर शास्त्र पढ़ो। एक आदमी धन कमाता है, संपत्ति बढ़ाता है, राज्य बढ़ाता है, किसके लिए? एक बेटे के लिए। बेटा ना हो तो बेटे के बदले भाई बहन भतीजा भी हो सकते हैं, लेकिन बेटे के बदले बसवन्ना, बेटे की जगह तो बेटा ही होता है। दैहिक संतान, दैहिक माता पिता, हम शरणाओं के लिए इसका कोई महत्व नहीं। असली जन्म तभी होता है जब गुरु ज्ञान मार्ग की दीक्षा देता है। ये तुम्हारा विश्वास है बसवन्ना। जब तुम छोटे थे तो जनेऊ के धागे तोड़कर घर से भाग जाया करते थे। जंगली बिटमारियों, भिखारियों, इन्हीं सब के बीच पले बड़े हो। तुम्हारे लिए घर बार जात पात का कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या तुम्हारे शरणा लोग भी वही सोचते हैं जो तुम सोचते हो? सुनो बसवन्ना, ये एक पक्की परिपाटी है जिसमें भाई बहन होते हैं, भतीजे भतीजियां होती हैं, चाचे चाचियां होते हैं। अगर इन सुरक्षित संबंधों को तोड़कर तुमने उन शरणाओं को छुट्टे जात पात विहीन समाज में भटकने को छोड़ दिया तो वे सूखी रेत पर मछली की तरह बूंद बूंद को तरसेंगे। गांठ बांध लो। अगर तुम्हें खजाने की देखभाल नहीं करनी है तो दे दो चाबियां। सिर्फ संबंधों से कुछ नहीं होता, बल्कि आप उसको कितना अटवान बनाते हैं महत्व इसका है। राजकुमार से सोबीदेव ने मेरे लिए जाल क्यों बिछाया था ये मुझे पता है। वो ऐसे पल दे इसका मुझे खेद है महाराज। वो मूठ नहीं है, वो बस आपके ध्यान का, आपके स्नेह का भूखा है। आप उसके साथ बैठिए, उससे बातें कीजिए। ब्राह्मणों के बच्चे ऐसे बड़े किए जाते होंगे बसवन्ना। वो राजपुत्र है, क्षत्रिय है। और बंद करो मेरे बेटे की बातें, अब तुम्हारे भक्तों की बातें करें महाराज। चलो। ये सब क्या है? माफी क्या कर रहे हैं? माफी दे दो बसवन्ना, बसवन्ना माफी दे दो बसवन्ना। हम नहीं जानते थे कि आप इतने बड़े महात्मा हैं बसवन्ना। मुझे माफी दे दो बसवन्ना, माफी दे दो। ये गलत है। शांतम पापम, शांतम पापम। बसवन्ना, मेरे शादी के कई साल हो गए, 4 बच्चे हुए, चारों के चारों मर गए। एक को तो बचा लो बसवन्ना, एक को तो बचा लो। रंगवा बताओ तो सही, ये सब क्या चल रहा है? बसवन्ना आप तो सब जानते हैं, आपने तो चमत्कार किया था। चमत्कार? मैंने? ये कैसी बात है? खजाने से आपने 5,000 मुद्रा उधार ली थी, और जब युवराज ने आपको फंसाना चाहा तो भगवान शिव ने सारी मुद्राएं पूरी कर दी। स्वयं आप गलत है। तो तुम समझते हो मैं चोर हूं? नहीं नहीं बसवन्ना, हमारा ये मतलब नहीं है। बसवन्ना आप अपने लिए नहीं, शरणाओं के लिए, हमारे लिए। तो राजकुमार चाहिए, मैं चोर हूं? नहीं, हम ऐसे बहुत बहुत जाओ। तो भक्तों की बाढ़ और भक्ति के नशे का मजा आया ना बस ना। महाराज तुम्हारे इन शरणा लोगों को चमत्कारी बसवन्ना चाहिए। इसके लिए वे तुम्हें हत्यारा भी कह देंगे, जिससे कि वे साबित कर सके कि तुम स्वयं शिव का अवतार हो।
मैं तो एक साधारण राजा हूं बसवन्ना, अपने को देवताओं से कोई झंझट नहीं चाहिए, पर तुम्हारी इन भक्तों की भूख देखकर मुझे चिंता हो जाती है। तुम्हें भी होनी चाहिए। वो मुझे चोर कहे तो कहे, जादूगर बनाकर बदनाम करे तो करे, मुझे परवाह नहीं। इतने बड़े भक्त समुदाय में शरणाओं के बीच मेरी भक्ति क्या है? मैं तो आम फलों के बीच एक छोटी सी करौंदी हूँ। मेरी सारी भक्ति शीशम के बीज के छठे हिस्से के बराबर भी तो ना हुई। वो तो ऐसी है जैसे बौने के सिर राज मुकुट, लट्टी औरत का श्रृंगार हो, संगम नदियों के ईश्वर महादेव के शरणाओं के बीच में भक्त कहलाऊ। लो काटो, सिर कलम करो मेरा, पाप से छुट्टी पाऊं। आज्ञा दे महाराज। आप घर जाएंगे? नहीं, मडुर गांव से बुरे समाचार मिले हैं, अभी चलूंगा तो जुंडले पहुंचूंगा। कुछ शरणाओं और जैनियों के बीच झगड़ा हो गया है, आप जाएंगे तो स्थिति सुधरेगी। जाइए, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। और वैसे भी जाते हुए मुझे जगदेव और उसकी माँ से मिलना था, मैं तहसीलदारी में था जब उसके पिता मरे। हरप्पा, बसवन्ना के साथ दो टुकड़िया जाएंगी। मुझे रक्षक नहीं चाहिए महाराज। बसवन्ना तुम चमत्कारी हो, बाहर भक्ति का नशा उमड़ रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो दूसरा चमत्कार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शरणा शरणा महाराज। महाराज, आप युवराज को दोष नहीं दे सकते, बसवन्ना के घर को देखें तो बिल्कुल नहीं। हर दिन भक्तों की भीड़ जमा होती, सबको भोजन दिया जाता, कपड़े दक्षिणा, इतना आतिथ्य वो करता कहाँ से? जानकर खुशी हुई कि मेरा बेटा अकेला मूर्ख नहीं है। आदरणीय मंचन क्रमित, इस कल्याण नगरी में 196,000 शरणा है, उनके घर में एक एक पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं इस नगर में 10 साल पहले आया, बसवन्ना को मैं अपना खजांची बनाकर लाया था, और उसी के साथ जो शरण आए थे उनका मानना था कि उनका कर्म केवल उनका पेशा नहीं बल्कि धर्म है, स्वयं शिव। बसवन्ना को मेरे साथ छल करने की कोई जरूरत नहीं। आदरणीय मंचन क्रमित, धर्म और अर्थ दो विपरीत दिशाओं में भी चल सकते हैं, मेरा मूर्ख बेटा भी यह बात नहीं जानता। हरप्पा, लोग जमा हो गए, चले। असल में सब तो बसवन्ना के पीछे निकल गए, सभा में तो मक्खी मारने को भी कोई नहीं बचा। मेरा विश्वास करो, उसे खजाने में कोई चमत्कार नहीं हुआ था। ईश्वर के इन चमत्कार बातों से मुझे लज्जित मत करो। तार तार इतने पाबंद लगाओ, कैसी अपनी लज्जा छिपाऊं? जगुआ जगुआ, जाओ इसके पीछे पीछे, जहां जहां इसके पच्चीन पड़ते हैं वहां वहां गोबर का लेप करो शुद्धि के लिए। मृतक के संस्कार हो रहे हैं इस घर में, आपको अपनी बाजीगरी के लिए यही स्थान मिला। बसवन्ना बसवन्ना, आप कहां जा रहे हैं? आप मुझे गुस्सा है? नहीं, क्योंकि फिर ये मैं मुंडन दिने हूं चोटी, मैं जो सोचता हूं उसका कोई महत्व नहीं। आपको शायद हास्यास्पद लगता होगा ये कर्मकांडी तमाशा, पर मुझे ये करना पड़ा अपनी माँ की मन की शांति के लिए। उधर मेरे पिता अंतिम समय में मेरे नाम की रक्त चुका थे, उनका गला रुंध गया पर मैं नहीं आया, और अब पिछले 11 दिनों से मैं उन्हें पुकारता हूँ, आह्वान करता हूँ, दो विचित्र पत्थरों पर अंग अंग रखकर मैं उनके प्रेत को पुकारता हूँ। है ना उल्टी बात, मेरे पिता भी ऐसे ही थे, जीवन भर कर्मकांड तपस्या साधना, लेकिन अंत में जब मृत्यु आई तो मैं इसका सामना नहीं कर पाया। मैं मृत्यु के भय से रोते थे जलते थे, क्या मेरे जीवन का अंत भी ऐसा ही होगा, भय व्यर्थता असफलता की गाथा जैसा? अपने मन के भय को स्वीकारने के लिए और बड़ा साहस चाहिए। यदि कोई कह सके कि उसका भय ही उसका सबसे बड़ा सत्य है, तो ये हो सकता है ये उसकी अंतिम विजय। आपको कहाँ जाना है? जब तक मैं हूँ यहाँ ये तुम्हें चैन लेने नहीं देंगे। मुझे से पहले मुझे मटुर गाँव भी पहुँचना है। मुझे आपसे बातें करनी, बसवन्ना आपको मडुर गाँव आज ही जाना है क्या? हाँ, हमारी कुछ शरणाओं ने वहाँ जैन मंदिर पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने घोषणा की है कि वो दिगंबर मूर्ति को तोड़कर वहाँ शिवाला बना देंगे। स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। फिर वही पुरानी कहानी, आप वहाँ पहुँचे क्या करेंगे? मैं जानता हूँ आप अपने ही लोगों को डांटेंगे कोसेंगे, उन्हीं को दोष देंगे। आप नहीं जानते कि जैनियों ने हमें कितना उकसाया है जानबूझकर। हिंसा गलत है,
चाहे जितना भी उकसाया जाए, और हिंसा पर उतरना क्योंकि पहल किसी और ने की थी, ये तो और भी गलत है। और फिर ईंट गाड़ी की बनी इमारत पर हिंसा, मूर्खता से स्मारक बनाना। भगवान धनवान बनाएंगे भगवान शिव के लिए भव्य मंदिर, ये गरीब क्या करेगा? ये पांव यही स्तंभ है, ये देह मंदिर है, और ये मस्तक ही है स्वर्ण कलश। आपने सुना नहीं, अबलूर में संत एकांति रमैया ने जैन मंदिर पर आक्रमण किया, उन्होंने सभी विधर्मियों को मंदिर से बाहर निकाल दिया और वहां एक चमत्कार दिखाकर मंदिर पर अधिकार जमा लिया, और अब उनका मस्तक मंदिर के चारों ओर एक कबूतर की तरह उड़ान भरकर लौटा है। ये जीवन निलक्षणताओं से भरा पड़ा है, तो फिर हम और चमत्कार क्यों चाहते? लेकिन उसी तहसीलदार में तो कोई चमत्कार नहीं हुआ था। नहीं, मैं जानता हूं, और जब तक मैं वहां था इसकी चर्चा भी नहीं थी। दुख की बात है लेकिन सत्य है, हमारे शरणाओं के बीच भी भोले मूर्खों की कमी नहीं है। तो ये चमत्कार की बात किसने फैलाई? कहीं आप ही तो नहीं? तुमने बोला है, मतलब तुम्हारे मन में है ये बात? हाँ, मैंने तहसीलदार के घेराव में अगुवाई की। उस दिन मेरे पिता अंतिम सांसें गिन रहे थे, मेरी अकेली असहाय माँ दीवार में अपना सर फोड़ रही थी, और मैं तहसीलदारी में था। जानते हैं क्यों? ताकि आपके सम्मान में कोई आंच ना आए, आपकी गरिमा बनी रहे। इसलिए तो मैंने सोचा कल सारा शहर मेरी चर्चा करेगा, मैं शरणाओं का सिरमौर हो जाऊंगा। मैंने कल्पना की कि उत्तेजित भक्तों की भीड़ मुझे अपने कंधों पर बिठा कर घुमाएगी, लेकिन हुआ क्या, मैं घर आ गया और पिछले 11 दिनों तक श्राद्ध क्रियाओं में डूबा रहा। पिछले 11 दिनों से भंडारघर में बैठा मैं भी एक तरह की साधना ही कर रहा हूं। ये सारी स्तुतियां सोने की शूली है। मेरे पिता ने जिस पर भी विश्वास किया धोखा खाया, आप मैं राजा और भगवान, अंत में उनके लिए क्या बचा सिर्फ रोना। जानते हैं कैसा लगता है जब किसी की शक्ति उसे छिन जाती है? मेरे पिता राज दरबार में सबसे ऊंचे दिखते थे, लंबे लंबे डग भरते थे, कुछ भी बोलने से पहले शब्दों को तोड़ते थे, लेकिन जो ही बिज्जे ने उन्हें पदस्थ किया ये सिकुड़ गए पानी में निचले कपड़े की तरह, उनकी आवाज भी घराने लगी थी। ये सब बहुत दयनीय था मेरे लिए। फैसले देना आसान है लेकिन अपने मन के भयद्वंद को समझना कठिन। स्वयं मैंने भी अभी अभी राजा की सेवा को त्याग दिया। आप जानते हैं आप क्या हैं? आप कूटनीतिज्ञ हैं, आप चलाक हैं, आप तिगर्मी हैं। तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि मेरे पिताजी ने आपको पहचान लिया था। वे हमेशा कहते थे कि बसवन्ना से दूर रहो, वो कपटी है। तुम्हारे पिता और मेरे बीच मतभेद थे लेकिन ये पक्का है कि ये बात उन्होंने कभी नहीं कही। तो आपका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? लेकिन हाँ क्यों? हाँ क्यों? क्यों? आपका मेरा सारा जिंदगी का ब्याज रहा होगा। मैं कुछ भी कहूँ आप मुझे छोटा कर देते हैं, दुनिया की नजरों में आपसे मुझे कीड़ा बना देते हैं। बसवन्ना, यदि आप यहाँ से गए नहीं तो वे लोग अंदर घुस जाएंगे। कृपया बसवन्ना, बसवन्ना, आप चले जाएंगे तो मैं बातें किससे करूंगा? मैं क्या कह रहा हूँ कौन समझ पाएगा मुझे? शायद मैं मूर्ख हूँ कि आपने मुझे कोई मंत्र चलाया होगा, लेकिन आपके सिवा मेरे पास कोई और है भी तो नहीं। इधर आओ, बैठो। अब जो मैं कहता हूँ वो दोहराओ। बोलो ओम नमः शिवाय। 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 आप मुझे इतना सताते हैं कि मेरी आत्मा बिलखने लगती है, लेकिन थपकी देकर सुलाने के लिए मुझे आपकी ही जरूरत पड़ती है। बसवन्ना, कोई भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ईश्वर ने हम सबको ऐसे सूत्र से बांध दिया है जो हम सब की समझ से परे है। एक बात कहूं तुमसे, मैंने आज तक किसी से नहीं कही, सुनो। एक रात मैं और रहस्यवादी संत अलम्य प्रभु ढेर तक बैठे बातें करते रहे। मैं जानता हूं वे उन थोड़े लोगों में हैं जिन्होंने परम पद प्राप्त किया। घर में सब सोए थे, सन्नाटा था, अंधेरे में एक दिया जल रहा था। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या है, मैं इसे कैसे पहचानूं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखो। और मेरे देखते ही देखते उनकी सारी जीवन लीला उनकी देह से निकलने लगी, छाया पुतलियों की तरह, पंक्तियों के बाद पंक्तियां। उनका जन्म, बचपन, उनकी जवानी, वनवास में नर्तकी कामनता के लिए उनकी वासना,
कामलता की मृत्यु, एक घड़े में कंकाल की हथेली पर उन्हें शिव नहीं मिला, घटनाओं का तांता, एक विशाल शून्य जिसमें मैंने अपने को भी देखा, अपने संगियों को भी, सभी कुछ न केवल साधारण या सामान्य या पवित्र या सुंदर, बल्कि साथ साथ भीषण विभत्स राक्षसी और क्रूर, कल्पनातीत था सब कुछ, जैसे किसी नदी में वासंती पुष्पों के साथ साथ गलित मान, कटे हुए अंग, उखड़ी केश राशि, पील मवाद, दुर्गंध और सगंध परस्पर लिपटी, मैं सह नहीं पाया, नहीं महासंत, यह आप नहीं है, मैं चिल्लाया। वो मुस्कुराकर बोले, तुम देख रहे हो, देख रहे हो ना? और फिर उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ कि उस आलोक और सौंदर्य में मैं विभोर हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब मैंने आंखें खोली तो गहरी नींद में सोए थे। अब भी ये स्मरण करके कंपन का अनुभव कर रहा हूं मैं। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नहीं जानता क्यों, नहीं जानता क्यों अलम्य प्रभु ने भी मुझे यह दर्शन दिखाया था। हम पर कृपा करें बसवन्ना, आपके भक्त आपके लिए पत्थर बरसा रहे हैं। मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन लगता है सिर्फ कष्ट ही दे पाया। लगता है मेरे अस्तित्व का यही अर्थ बच गया है सदा। चलिए, शेष सब कुछ तो आसानी से निपट जाएगा। आज के संस्कार में जो भी पदार्थ लाया गया है उसका उपयोग फिर नहीं किया जा सकता। लकड़ी, बर्तन और बची हुई सामग्री में जो कुछ जल सकता है जला दो, शेष नदी में विसर्जित कर दो, फिर भी कुछ बचे तो दान में दे दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो इन संस्कारों में मेरा भी उपयोग हुआ है, मैं अपना क्या करूं? आवधानगारी आसे चलन बाहिया हो रमा, चलन बाहिया पिया रे हो रंग पिया रे, जानका नगरिया भेल शोर से हो रंग पिया रे पिया रे, जानका नगरिया भेल शोर से हो रंग पिया रे पिया रे, जानका नगरिया भेल शोर। हम आपको न्योता दे रहे हैं, शिवम का ब्याह तय हो गया है, कल सगाई का मुहूर्त है, हम आएंगे, सब आएंगे। क्या ये हुआ है कि कलावती को अपने भाई शिलू के लिए लिया है? आशीर्वाद दीजिए। फूलो रे सखी फूलो रे चल फुलवरिया, सीता के सचमुच बड़ा आनंद हुआ मैं आपका सही चौकता देखकर। आपने भी नहीं सोचा होगा कि आपका सपना इतनी जल्दी साकार होगा। कल्याण हो, हमारे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हम तो ये सोच कर कि समाचार सुनेंगे तो आप खुश होंगे, चुप है बसवन्ना। आप लोगों ने ठीक से विचार तो किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये हमारी इकलौती बहन है और वो इकलौता भाई, और जहां तक ब्याह के प्रबंध का सवाल है तो हमने भली भांति सोचा है। एक शर्मा का बेटा एक शर्मे की बेटी से ब्याह करे जिसमें कोई सोच विचार की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब बहुत सोच विचार की जरूरत है, क्योंकि एक ब्राह्मण की बेटी का ब्याह चमार के बेटे से यही ना। अरे हमारी समझ में नहीं आता ये सब। हम सब शरणा है, हम सब ने अपने को ईश्वर की शरण कर दिया है, अब शरणा की कोई जात नहीं है, ना कोई ब्राह्मण है ना कोई शूद्र। और ये विवाह का समाचार तो हमारे लिए एक उत्सव की तरह है, लेकिन फिर भी हाँ बोलिए। बाहर का जो सांसारिक समाज है वो इसे मानेगा। अब बोल क्या रहे, इस औरों का मतलब क्या है? बोलने दो जो वो बोलते हैं, हमें परवाह नहीं। मैं औरों पर क्यों हंसूं? मुझे देखो, कहता कि मैं शरणाओं की हंसी उड़ाता था, निंदा करता था, लेकिन एक दिन मुझे सब समझ में आ गया और मुझे भरोसा है कि औरों को भी समझ में आएगा। चुपचाप बैठेंगे, समझ आने तक शांत रहेंगे वे सब, तो हम देख लेंगे जो वो करेंगे। आज तक तो ये सिर्फ एक विचार की बात थी,
एक सैद्धांतिक रचना, भाषण, उपदेश, लेकिन ये तो एक वास्तविक विवाह है। वर्णाश्रम धर्म की जड़ों पर कुल्हाड़ा है। पिछले 2000 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। परंपरावादियों ने इसका पूरा पूरा ध्यान रखा है। तुम जानते हो कैसा जहर उठनेगा, कैसी लपटे फैलेंगी, आग लगेगी चारों ओर समाचार से। तो वो जहर अपने गले में धारण करेंगे भगवान शिव की तरह। ये कोई नाटकीय भाषण का समय नहीं है, ये उन दोनों की जिंदगियों का सवाल है। कल जब वे कहीं कोई चूल्हा जलाएंगे या कोई चोपड़ा बनाएंगे तो परंपरावादियों की घृणा नागों की सेना बनकर पुकारेगी उनके पीछे। तब क्या कर लोगे? अच्छा है कि इसका प्रबंध भी कर लो, बाद में हाथ मलोगे बस। आप नहीं चाहते ये विवाह, आप चाहते कि रुक जाए। मैं जानता था संत बसवन्ना हो या कोई भी हो, एक चमार और एक ब्राह्मण को कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होने दो। इसमें आपत्ति उठाने वाले पहले शरणाई होंगे, होने दो। वर्णाश्रम धर्म, इस जात पात का सारा ताना बाना ध्वस्त होगा। हर कोई अपने को केवल एक मनुष्य मानेगा, एक भक्त की तरह, एक शरणा की तरह। ऐसा होगा, लेकिन तब तक हमें बहुत चलना है, बहुत संघर्ष करना है, लक्ष्य बहुत दूर है। शंकराचार्य जैसे युग दृष्टा ने कहा था कि संसार माया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और फिर व्यावहारिक जीवन में मनुस्मृति को मान्यता भी वही देते हैं कि ब्राह्मण ऊंचे हैं, शूद्र नीचे हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई शूद्र वेद विद्या प्राप्त करना चाहे तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो, उसके मुंह में उसकी जीभ काट दो ताकि वो कभी भी ज्ञान मार्ग पर पांव न धर सके। बल्कि आचार्य के अनुसार मुक्ति का यही एक मार्ग है। परंपरा बनाने वाले आचार्यों के ऐसे विचार, कितनी हिंसा छुपी है इन विचारों में। तुम जानते हो कुछ लोग धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, यदि फिर ऐसा होना ही है तो फिर हो जाए। शील क्या कहता है? ये क्या कहेगा, जो बड़े कहेंगे वही करेगा। इसकी तो अभी मन से भी नहीं धीमी, ये क्या जानता है, बच्चा है ये। सब कुछ का सामना तो इसी को करना है। शील, बच्चे, तुम्हें ये विवाह मंजूर है? बोलो। मैं ये ब्याह नहीं करना चाहता। क्यों? मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं सब उसे चिढ़ाएंगे, चमार की ब्राह्मणी। कौन चिढ़ाएंगे? हमारी गली के बच्चे, शरणाओं के बच्चे। हाँ बाबा, एक और बात है, मुझे अपना काम भी नहीं छोड़ना, भला जूते बनाने में बुरा ही क्या है। ठीक बात है, काम क्यों छोड़ोगे? किसने कहा है? किसी ने कहा नहीं, लेकिन कलावती चमड़े की गंध नहीं सह सकती। जब भी वो चमार की खीर के पास से निकलती है या कोई चमड़ा धूप में सूख रहा होता है तो वो नाक बंद कर लेती है। कोशिश करती है वो कि मैं ना देखूं, लेकिन देखा है मैंने, फिर वो पूरा जीवन कैसे काटेगी मेरे साथ। आप सब जाइए, संभालिए उनको। महाराज, हमारे घर पधारे बड़े भाग हमारे। मुझे कहला भेजा होता, मैं आ जाता। अब तुम हमारे सेवक खजांची नहीं रहे कि तुम्हें बुलवा भेजू। शरणागोष्ठी में बैठे हो, विचार विमर्श में हो, क्या जानो तुम निकलना चाहो या ना चाहो। इसलिए मैं स्वयं आ गया बिना किसी सूचना के। दरबार से अपने महल जा रहा था तो रास्ते में ब्राह्मणों का एक झुंड मिल गया, चीखता चिल्लाता। महाराज, चीखने चिल्लाने की क्या बात थी? सीधा ये देखने आने वाला था कि तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया। तभी सुना कि तुमने वर वधु को आशीर्वाद देने से मना कर ब्याह रुक गया और मुझे भी सांस आई। लेकिन तुम्हारे इन शरणाओं पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं खुद यहां आ गया। महाराज, एक शरणा है, वो अपनी बेटी का ब्याह एक दूसरे शरणे के बेटे से करना चाहता है। इसे रोकने वाला मैं कौन? मैंने नहीं रोका। तुमने नहीं रोका, ये ठीक भी है। तुम रोकते भी कैसे?
इतने वर्षों से जात पात का विरोध करते आ रहे हो, जात प्रथा को तोड़ दो यही समझाते आ रहे हो। अब तुम अंतर जातीय विवाह का विरोध कर ही कैसे सकते हो? तुमने तो बस अपना हाथ रोक लिया और कोई अपशकुन हो गया, विवाह अपने आप रुक गया है ना? महाराज, इस विवाह को रोकने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने नहीं रोका। सिर्फ इतना जानने आया हूं कि विवाह रुका तो सही? जहां तक मैं जानता हूं नहीं रुका। जो तुम नहीं कर सके उसे मैं कर दूंगा, बस सुनना, मैं इस विवाह को मना ही कर दूंगा। महाराज लेकिन आप, तुम अच्छी तरह जानते हो ऊंची जात वाले इस विवाह को बर्दाश्त नहीं करेंगे, विवाह मंडप में ही लाशें बिछेंगे। पाप किसी का प्रायश्चित कोई करे, चिड़ियों के पंख जला दो क्योंकि सांपों को उनकी उड़ान से ईर्ष्या होती है। मुझे तर्क नहीं करना है, बस सुनना, ये मेरा आदेश है, ये विवाह नहीं होगा। महाराज तो फिर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, यदि राजा इस विवाह को रोकेगा तो मैं सीधा राजमहल जाऊंगा और राजमहल के सामने बैठकर धरना दूंगा जब तक राजा अपना आदेश वापस नहीं ले लेता है। ये तो होगा ही, तुम अकेले आओगे तो भी तुम्हारे शरणा तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। तुम्हारे लोगों की संख्या 196,000 से भी ज्यादा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस अपने अपने औजार छोड़ दो, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ, सारा काम ठप हो जाएगा। तुम समझते हो इसके बाद भी यहाँ की जनता इस विवाह को स्वीकार करेगी? कोई भी राजा इस विवाह को स्वीकार नहीं करेगा, बस सुनना। 16 साल तक राजा का भंडारी रहने के बाद तो कोई गधा भी ये बात समझ सकता है। महाराज हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, इस जगह को अपना मातृ स्थान मानते हैं, क्या हमें यहाँ पर रक्षा की बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए? चलो अब तुम शरणा लोग इस विवाह को करने पर तुल ही गए हो तो ठीक है, कर लो विवाह। मैं अपनी सेना लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा युद्ध बुद्ध खेलने, विवाह होने के बाद लौटूंगा, बस सुनना, लाशें गिनने। महाराज हम भी आपको आतंक नहीं करेंगे, हम कल्याण नगरी छोड़कर निकल जाएंगे। चलो होने दो विवाह, नहीं रोकूंगा मैं, क्योंकि मैं रोक भी नहीं सकता, तुम लोगों ने मुझे जकड़ रखा है, मैं हिल भी नहीं सकता। लेकिन एक बात समझ में आ गई, बस सुनना, तुम जैसा स्वार्थी मुझे जीवन भर में नहीं मिला। महाराज तो बात महाराज के कानों तक पहुंच गई, राज्य में कहां क्या हो रहा है जानना राजा का धर्म। महाराज ने विवाह के लिए मना किया यही ना? हाँ शुरू में कुछ ऐसा ही कह रहे थे। ठीक है ना माने, क्या फर्क पड़ता है, और हम जो है यहाँ देखे क्या कर लेते हैं। हाँ देख लेंगे, एक तरकीब है, बस होना बताओ, बस होना को बताओ। देखिए बस होना, हमारा समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, राज्य भर में लोग जहाँ तहाँ से हमारे मत में शामिल हुए हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे दुश्मन भी बनेंगे, वे चुप नहीं बैठेंगे, जरूर कुछ करेंगे। वे क्या सोचते हैं क्या चाहते हैं इसका अंदाजा कैसे होगा? लेकिन ये सब किस लिए? बात पूरी कर लूं मैं, हमारे लोगों में तरह तरह के धंधे वाले लोग हैं जो घर घर घूमते हैं, गांव गांव जाते हैं, अलग अलग कपड़ों में अलग अलग भेष में, ये लोग हमारे लिए सूचना जमा कर सकते हैं। लेकिन ये सब किस लिए? राजा ने तो विवाह के लिए आज्ञा दे दी है। सच में? हाँ आप विश्वास करते हैं उनका? मैं राजा को जानता हूँ, अपनी बात से पलटेगा नहीं। आप राजा पर ज्यादा भरोसा करते हैं, हम पर नहीं। जगदेव तुम वहां जाओ जहां विवाह हो रहा है, आप हमारा हमेशा मजाक उड़ाते हैं। चलो नहीं, रोजाना के सांसारिक जीवन में जो अनेकों परिवर्तन होते हैं असली चुनौतियां तो उन्हीं में, यदि कोई सच्चा शरणा हो तो हिंसा कोई खिलौना नहीं जो उससे खेलो, तो हिंसा का लालच सबसे बड़ा लालच है। ठीक है अच्छी बात है, तो समझाइए मुझे अल्लम्मा प्रभु के दर्शन का क्या मतलब होता है, समझाइए मुझे सारी सुंदरता फूलों के ऊपर विष्टा पी मवाद का क्या मतलब होता है, समझाइए ना हमें। मैं नहीं जानता, कुछ बातों के मतलब तुरंत नहीं जाने जा सकते हैं, जैसे जैसे हम जीते हैं जीवन के परते खुलती हैं, अर्थ खुलते हैं, ऐसा ही होगा। नमस्कार। नमस्कार। चलो ये सारा मतलब समझने के लिए लंबी उम्र होनी चाहिए, पर हम इतने भाग्यशाली नहीं। चलो मल्ली। शरणम 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 शरणम। इंद्राणी इंद्राणी, क्यों कोहराम मचा रखा है? युवराज का? युवराज सो रहे हैं। चलिए चलिए, क्या क्या है दे पोछो इसकी। क्या हो रही है? आपके सर पर आया तो नहीं कोई? युवराज की तंद्रा टूटी या नहीं, अन्यथा एक गागर जल और डालना पड़ेगा। देखिए राजन मेरी बात सावधानी से सुनिए, आज एक चर्मकार का बेटा ब्राह्मण कन्या से विवाह करेगा। मैं जानता हूँ, तो आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूँ? सारा नगर ज्वालों में धधकने को तैयार है, इतना भी नहीं समझते आप? कल्याण के नागरिक इस विवाह को किसी भी मूल्य पर रोकेंगे, मुझे सूचना मिली है
सोलहपुर से 100 मल्ला कर एकत्र हुए। सीधे साधे शरणाओं को डराने के लिए इतनी तैयारी? ये भी सूचना मिली है कि शरणे भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हर घड़ी तीर तलवारे बढ़ रही है। तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? कपड़े पहन ले और प्रतीक्षा करें। बूढ़ी गणिकाओं की तरह एक सीधे साधे प्यार से आपको क्या परेशानी है मेरी समझ में नहीं आती। ये विवाह वैदिक सभ्यता के मन पर हथौड़े की चोट है। विश्वासों की एक श्रृंखला तोड़कर सभ्यता घरने में शताब्दियां लग जाती है, लेकिन सभ्यता के मर्म स्थल पर हथौड़े की एक चोट से पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है। ग्लानि की बात तो यह है, इस कार्य के पीछे कोई अधीर अछूत नहीं, कोई अज्ञानी अशूद्र नहीं, किंतु एक ब्राह्मण ही है। यदि जाति प्रथा का ढांचा इतना विषैला है तो इतनी सदियों से यह समाज स्वस्थ कैसे? कैसे ये शूद्र ये अनार्य जाति प्रथा को क्यों अपना ले? शरणाओं ने तो सचमुच दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। वो जिस तरह उनके लिए काम करते हैं आप ब्राह्मण लोग कभी नहीं कर सकते। मेरे जैसी स्त्री आपके लिए अंधेरे में तो ठीक है, लेकिन दिन के उजाले में मैं अछूत हूँ। मुझे आपसे दूर रहना चाहिए, जबकि शरणाओं के लिए हम स्त्री हैं, उन्हीं की घर की स्त्रियों जैसी। जब दिन की तपिश ढलती है शरणाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। असमानता प्रकृति ही है। वैदिक धर्म में कितना धीरज है, कितना खुला और कितना उदार है, सारे मतभेदों को स्वीकार करता है। तुम्हें किसी जाति या वर्ण की तरह होने की जरूरत नहीं है, अपने में रहो, हर जाति परिवार की तरह है। इसीलिए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसमें कोई भी संप्रदाय समा सकता है, तुम्हारे उस बचवन्ना की तरह नहीं जो मतभेदों को स्वीकार नहीं कर सकता। वो तो पूरे भारत पर बस एक पग थोपना चाहता है, एक दर्शन, एक धर्म, केवल एक संप्रदाय। ये तो सबसे भयानक बात है, लेकिन ये बात बचवन्ना की समझ में नहीं आती। आप शरणाओं की इतनी आलोचना करते हैं फिर भी आपके मुंह से उन्हीं के शब्द झड़ते हैं। ये तो मेरी भाषा की भूल है इंद्राणी। संस्कृत भाषा हीरे की तरह तराशी गई, हजारों वर्षों से इसका एक भी नियम नहीं बदला, इसीलिए तो इस भाषा में सनातन सत्य कहा जा सकता है। लोक भाषा तो मातृभाषा है, एक मुंह से दूसरे मुंह बदल जाती। घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई के काम आती है, भिखारियों के भीख मांगने के, और तुम जैसी वैश्याओं के हम जैसों को रिझाने के। इसमें व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति आसानी से हो जाती है, इसलिए लोगों के मुंह जल्दी चढ़ जाती है। और शरणाओं ने इसका प्रयोग अपने धार्मिक प्रचार के लिए किया है, यही मेरा विरोध है। बस भी करो पंडित, विवाह तो अब हो चुका, अब खून कब भरेगा, लड़ाई कब होगी? हाँ, विवाह तो हो चुका लेकिन खून नहीं बहा। लेकिन खून क्यों नहीं बहा? इसका अर्थ है शरणाओं की रक्षा। कौन करेगा रक्षा? और कौन कर सकता है राजा? मुझे आश्चर्य होता, ये तो स्वयं आत्महत्या। कलप्पा, चलिए महाराज। कलप्पा, महाराज किधर है? महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं। महाराज बसवन्ना आ रहा है, उसके साथ कई शरणा लोग भी है। बसवन्ना आ रहा? हाँ, ये नहीं, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बसवन्ना आएगा? वो अपने घर से आ रहा है, मतलब पूरब से। तो मरियप्पा, हम मंदिर के झरोखे से देख सकते हैं, हमारे कंधे पर चढ़ो। आपके कंधे महाराज? हाँ, मुझसे नहीं होगा। मुझे ना कहता, मैं बिच्छल हूँ, मरा नहीं हूँ अभी, जल्दी चढ़। बताओ क्या दिख रहा है? महाराज बहुत दूर है वे लोग। कितने हैं? महाराज बहुत सारे। बहुत कितने सारे? अच्छा बता, कौन कौन सी गलियां भर गई? रावण सिद्धेश्वर मंदिर के चारों ओर गेरुआ ही गेरुआ है महाराज। बहुत सब कहीं गेरुआ। बहुत अच्छे, सिद्धेश्वर मंदिर के परे धोबियों का मोहल्ला है और उसके परे गड़ेयों का, उसके इधर की तरफ पुरानी तहसीलदारी, दिख रहा है सब? हाँ महाराज दिख रहा है। बहुत अच्छे, ये सारे मोहल्ले गेरवे रंग से भरे होने चाहिए, गेरवे रंग का समंदर होना चाहिए। 50,000 भी हो तो ये सारी जगह ठसोटस भर जाएगी। नहीं महाराज। नहीं महाराज से क्या मतलब है? महाराज छतों पे लोगों की भीड़ है, नागरिकों की, शरणा भी तो बहुत है, लेकिन रावण सिद्धेश्वर मंदिर के चारों ओर ही है।
थोड़े बहुत धोबी वाड़े में भी है, पर बड़े वाड़े में तो कोई नहीं दिखता महाराज। मौके फूट गई है क्या तेरी? देख से देख, कुत्ते के पिल्ले नहीं मालूम मंदिर के भीतर घुसता तुझे मना। अरे सिर फिर गया है तेरा, चला जा नहीं तो कोड़े पड़े। मैंने आदेश दिया इसे। महाराज ने मुझे आदेश दिया होता द्वार खुल जाता। महाराज आप छत से देखें, एकदम साफ दिखाई देगा। जरूर इसने बसवन्ना को आते देखा होगा, तभी तो यह हमारी तरफ घूम रहा। जी हाँ महाराज, बसवन्ना पहुंचने ही वाले हैं। हमें भी यही चिंता थी कि यदि ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। युवराज पूरी रात सो नहीं पाए। महाराज बसवन्ना के साथ जितने शरण आए हैं उसकी गिनती हमारे मुनीम ने बड़ी सावधानी से की है, कुल 770। आ गए तुम बसवन्ना, तुम आ गए। लेकिन ये कौन सा तरीका है एक दूसरे से मिलने? मुझे तो आना ही था महाराज। मैंने नहीं कहा था कि तुम आओ, तुमने भी नहीं कहा था कि तुम आओगे, लेकिन तुम आ गए बसवन्ना। तुमने धोखा नहीं दिया। आप कैसे हैं महाराज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त भैंस। तुम जाओ बसवन्ना, अब तुम्हारे यहाँ रहने से कुछ नहीं सदेगा। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। अब कौन जानता है कि हम फिर कब मिलेंगे। महाराज ईश्वर के आशीर्वाद को अपनी इच्छाओं और अपने लालच के लिए तोड़ने मरोड़ने की कोशिश गलत है। उसकी इच्छा ही हमारा जीवन है। यदि वो हमें पीड़ा देता है तो देने दो, कम से कम उसका ध्यान तो हम पर है, यही हमारी विजय है समझो। तुम्हारे साथ यही बड़ी मुश्किल है बसवन्ना। तुम इस बात को सीधे सीधे ढंग से भी कह सकते थे, अब तो सीधी बात करो बसवन्ना। करता हूं महाराज, चाहे जो हो जाए भगवान शिव पर भरोसा रखो। नहीं हो, बहुत कठिन है बसवन्ना, अब नहीं होगा। संभव है महाराज, यदि आप में आस्था हो तो। तुम्हें याद है योद्धा को भागना नहीं चाहिए, भक्त को मांगना नहीं चाहिए। ओ संगम नदियों के महादेव, मैं भागा नहीं, मैंने मांगा नहीं बसवन्ना। उस पर भरोसा रखो, मैं भी उसी आस्था की खोज में जा रहा हूं। कबड़ी संगम जहां पर दोनों नदियां मिलती हैं। शरणाम शरणाम महाराज। अभी राजा के सैनिक गए थे श्रीमंत के घर, पकड़ कर ले गए उसे नगर के चौराहे पर, कलावती को भी ले गए थे वहीं। वहीं सभी लोगों के सामने उनकी आंखें निकाल ली चिमटे से और हाथी के पांव से बांधकर पूरे नगर में घसीटा। गली गली में उनके अंग अंग कटते गए, चिल्ला चिल्लाकर मर गए वो दोनों। किसने रोका नहीं? नहीं, वो सब देखते रहे घरों के भीतर से, खिड़कियों से। हमें भी कब कभी लग रही थी, अब वो गांव के मोहने पर उनकी लाशों को सूली पर टंगा रहे। थूरी है हम सब पर, थूरी है, थूक गए हमारी मतदान जी पर। कायर है हम सब, कायर है 10 बार कायर है। पहले चूड़िया ना तो चूड़ों के जैसे। मैंने बोला था ना कि पहले ही कुछ करना चाहिए था। हाँ कहा तुमने, मैं हमेशा कहता था, मैं जो कुछ कहता तुम उसे मीन मेक निकालते रहते थे, ये क्यों वो क्यों ऐसे नहीं वैसे नहीं। खबरदार,
आगे एक भी लफ्ज बोला ना तो ठीक नहीं होगा। घर के लोग कहाँ हैं? सुनो, हम यहाँ ऐसे बैठे नहीं रह सकते। चलो राज में चले, तो विदेश छुपा बैठा होगा। हाँ, चलो, 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 राजमहल तो खाली है। खाली? दुनिया हंसेगी हम पर। चले थे क्रांति करने के लिए, क्या पल्ले पड़ा हमारा, सिर्फ गू। चलो अब इस बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं, बाहर चलो। बाहर जाके सबके सामने हाथों में चूड़ा डाल ले। क्या करना? वो राजमहल खाली कर चुका है, केवल वो पागल है वहां। कौन सा पागल? पुराना राजा बिचल। हाँ बिचल, बिचल, बिचल को पकड़ो। गए महाराज की जय हो। कौन कौन है जो मुझे महाराज कह के बुला रहा है? महाराज हम आपके दर्शन करने आए हैं। आ जाओ अंदर आ जाओ। नहीं ये शिव स्थान है। महाराज हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे पांव कीच से सने हैं, हम मंदिर को दूषित नहीं करना चाहते। ना जाने इस मंदिर की पूजा कब से नहीं हुई, आखिरी बार सफाई कब हुई थी ये भी याद नहीं, क्या फर्क पड़ता। किंतु महाराज मुझे ये अंधेरा कोना बहुत शीतल लगता है, तुम्हें जो कुछ कहना है अंदर आकर कहो, नहीं तो जाओ। महाराज हम कपड़ी संगम से आए हैं। कपड़ी संगम से? हाँ महाराज, बसवन्ना के यहाँ से। बसवन्ना ने भेजा तुम्हें? क्या कहा है बसवन्ना ने? क्या नहीं, ये शिव स्थान यहाँ लहू नहीं बहाता। सदेव तुम अपने लोगों की सौगंध भूल जाए, मैं क्षिप्र नहीं समझा। ध्यान रहे, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? अंदर जाना है तो घंटे बाद फेंको। चलो उसे घड़ी से बाहर निकला दे। चलो किस लिए? वो चमड़े का फटा हुआ टुकड़ा है, इसे हमारा क्या बनेगा? देखते नहीं हमारे जैसी यही बचा है, अगर हम खाली हाथ लौटे तो दुनिया हंसेगी हम पर। इतिहास हमें नलायक और मूर्ख कहेगा, दूसरे ही क्यों, हमारे अपने भी हमारी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए तुम उसकी हत्या करना चाहते हो? वाह क्या मतलब? वाह मल्ली तर्क करने लगे तुम। बसवन्ना ने मुझे अलम्ब प्रभु का स्वप्न बताया था, मुझे किसी और को नहीं, और उसका क्या अर्थ है ये मुझसे छोड़ा था। मेरी सुनो, हत्या करो उसकी, ये गंध बात अपने आप तुम्हें बाद में समझ आएगा। चलो इसे कहते हैं पिक्चर की पकड़। बात हुआ, जाओ यहां से। चमत्कार चमत्कार, हर किसी को चाहिए चमत्कार। कहां है चमत्कार तब? ये लो ये रहा चमत्कार। इतने वर्षों से मेरी रानी मुझे शिव को नहीं मनवा पाई, बसवन्ना भी नहीं मनवा पाई, लेकिन तुम चूहों के कारण मुझे शिव की शरण में आना पड़ा। कौन? क्या हो गया है मुझे? जहां भी घुटने टेकता हूं, जहां भी हाथ बढ़ाता हूं, चमत्कार ही चमत्कार। अवश्य ही तुम मेरे बेटे की ओर से तो नहीं हो, उसके पास तो होने पर भी हथियार है यार। तुमसे तो तलवार भी ढंग से नहीं पकड़ी जाती। तुम में से एक एक को मैं चूहे की तरह मुसल सकता हूं, लेकिन बहुत कर चुका मैं ये सब। बताओ कौन हो तू? हम लोग शर्मा महाराज। समझा, इसका मतलब तुम्हें बसवन्ना ने भेजा है। हाँ महाराज। नहीं महाराज, हम अपने आप आए हैं। बस यूं ही मुझे मारने लो, मार डालो मुझे, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि क्यों, लेकिन एक शर्त है। शर्त? महाराज शर्त? तुम्हें मेरे आखिरी शब्द बसवन्ना तक पहुंचाने होंगे। अगर तुम मुझे वचन दो तो मैं तुम्हारे सामने आने को तैयार, मैं स्वयं को मार्कंडेय बना लूंगा, तुम यम के दूत बनो। हाँ महाराज,
हम वचन देते हैं। वचन देते हैं, अगर तुमने अपना वचन तोड़ा तो तुम्हें तुम्हारे ईष्ट सिंह महादेव का शाप लगेगा, तुम्हें तुम्हारे बसवन्ना का शाप लगेगा। बसवन्ना से कहना तो कहोगे इतने दिनों से इतनी सारी बातें करता था उससे मन नहीं मन, इतना कुछ कहना था। हाँ बसवन्ना से कहना 16 साल तक जिस बात को लेकर हम तर्क करते रहे उसकी जड़ तक नहीं पहुंचे, बात सुबह तक आई पर शिव शिव अभी आएगी। हो गया महाराज, हो गया। सभी सभी मेरा बेटा क्यों गुस्सा है बेटा? मैं सो भी नहीं हूँ। क्यों इतना नाराज है मुझसे? चटिया मारो, चटिया मारो, चटिया मारो। मैं सो भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। मर गया, अब संतोष हुआ? जाओ यहां से, मुझे नहीं आना। जाओ यहां से, चले जाओ, चलो चलो। तुम देख रहे हो बसवन्ना, ये है तुम्हारा मंदिर, ये दोनों पैर स्तंभ, ये मस्तक स्वर्ण कलश। कितनी आसानी से जो जड़ है स्थिर हो जाता है, एक साधारण से धक्के से, एक जरा से धक्के से जो कि स्थिर था स्थिर हो जाता है। ये शिवालय भी कितना कंपित है, बस एक चोट लगेगी, लहू का छिड़काव होगा और सदा सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो बसवन्ना, मेरे पिता मृत्यु के भय से रोते थे, डरते थे वो, पर मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, मैं शिव द्रोह से भी नहीं डरता। देखो तुम हो गए बसवन्ना तो मैं हूं संत एकांती जगन्नाथ। जगन्ना ने तुम्हारा नाम लिया इसलिए ये सब हुआ, महाराज तुम्हारा नाम सुनकर ही बाहर आया था। ठीक है तुम जाओ। भगवान शिव तुम्हारा भला करे। किसका नाम और किसका चेहरा, किसका घाव और किसका लहू, ये तो मेरा ही शब्द, मैं ही राजा का हत्यारा। तो ये थी अलम प्रभु के स्वप्न दर्शन की अंतिम कड़ी। लीला समाप्त हुई, गाजे बाजे बंद हुए, राहें सोनी, सारी जगती मौन हुई, और संगम नदियों के ईश्वर महादेव अब मुझे इस गर्भगृह को लीन करो अपनी ज्वाला में। हे पिता, हे आलोक में, अपने आलोक में आलोक, अनंत आलोक,
भागने मत दो उन्हें, पीछा करो और मार डालो, मर्द हो औरतें हो बच्चे हो, काट दो सबको, शिकारी कुत्ते छोड़ दो उन पर, एक एक झाड़ी जंगल या कोई भी घर जो शरण दे शरणाओं को, जला दो उनकी पोतियां, जला दो कुओं और तालाबों में, डुबा दो उनका सब कुछ, कुछ भी ना बचे याद करने को। हमारे राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है, मेरे भाइयों ने मुझ पर चढ़ाई कर दी है, विश्वासघाती हत्यारे हैं वे, मेरी पिता की हत्या में भी उन्होंने भाग लिया था, मेरे पिता महान कंचूजावत के संस्थापक थे, मेरे इन भाइयों को भी मारना ही होगा। और अब से सारी प्रजा को ध्यान रहे कि राजा प्रजा के लिए पिता समान है, प्रजा को चाहिए कि वे राजा से बच्चों की तरह प्रेम करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, नहीं तो सारे देश की हानि ही होती है। जो जीवे और हाथ राजा के विरुद्ध या उसके परिवार के विरुद्ध या उसके संबंधियों के विरुद्ध या उसके अधिकारों के विरुद्ध, वे जीव और हाथ काट दिए जाएंगे। शरणाओ नास्तिकों विदेशी और खुले चिंतक लोगों को हमारे राज्य में आने का अधिकार नहीं होगा। स्त्रियों और वर्ण के लोग अपनी मर्यादा के भीतर रहेंगे जैसे कि पूर्वजों के समय से होता आ रहा है, नहीं तो उनके कुत्तों से भी बदतर मौत होगी। हर एक पुरुष वर्णाश्रम धर्म के लिए अपना बलिदान करेगा, वे ईश्वरीय सिद्धांत है। हर कोई सैनिक होगा, राजा के लिए लड़ेगा, क्योंकि राजा भगवान का अवतार होता है, राजा ही प्रत्यक्ष देवता है। महाराजा धीराज कालंजर पुराधीश्वर गो ब्राह्मण प्रतिपालक वर्णाश्रम धर्म रक्षक Director Shantanu Bose to come over the dais, please. May I request another famous playwright, H.S. Shivaprakash, who also wrote a play called Mahachaitra on the same theme, to come over the dais, please. May I request Shantanu to introduce the artist, please. Mandeep, Yogesh, Amresh, Agrima, Sameer, Rinku, Vivek, Arvind, Honey, Vicky,
पारस अभिषेक वंश सिद्धांत और दीपंकर हमारे साथ और थे ईशान मैं ईशान और अर्चना को कहूंगा मंच पर आए अनुज जी मंच पर आए उत्पल जी I request Professor H.S. Shivaprakash to hand over your bouquet on behalf of you all to the director Shantanu Bose.